बीते कुछ महीनों में अंबाला में क्राइम की घटनाओं का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। आलम यह है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आपराधिक गतिविधियां कम होने का नाम तक नहीं ले रही हैं। ताजा मामला अंबाला शहर के पोश इलाके सेक्टर 8 से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई। गुरुवार देर शाम अंबाला शहर के पोश इलाके सेक्टर 8 में बुजुर्ग महिला के घर पर एक 20-22 वर्षीय अज्ञात युवक घुस गया और महिला से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। SHO हमीर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग महिला के पति निजी काम से बाहर गए थे और घर का गेट खुला था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि अज्ञात युवक घर घुस आया और युवक ने चाकू की नोक पर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की। महिला घबरा गई और पैसे ना होने की बात की तो युवक ने महिला की गर्दन पर चाकू से कई वार किए और जैसे तैसे बुजुर्ग महिला उससे छूटी, लेकिन इस दौरान उनके गले पर चाकू से काफी चोट आई है और अज्ञात युवक वहां से फरार हो गया। आनंद फानंद में उन्हें नागरिक अस्पताल लाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात युवक को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। अम्बाला शहर का है, 391 नंबर मकान का मामला है, जिसमें दो बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जिनके दोनों बच्चे फॉरेन अमेरिका गए हुए हैं। तो जो मालिक हैं, जो रमेश नागपाल जी, वो शाम के टाइम किसी अपने निजी काम के लिए घर से बाहर गए थे, तो घर का जो मेन दरवाज़ा और अंदर का जो डोर है उसको खुला छोड़ गए। उनकी पत्नी TV देख रही थी, तो इसी दौरान कोई करीब 20 साल का कोई युवक अंदर आया, तो आते ही सीधे दोनों गेट खुले हुए थे, सीधा कमरे के अंदर चला गया और कमरे में जाके उसने महिला सविता नागपाल को एकदम उनके गला दबाने की कोशिश की और उनसे पैसों की मांग की, जिसके बाद जो महिला द्वारा विरोध किए जाने पर उसने महिला ने इसने चक्कू निकाला और चक्कू पे वार करने का प्रयास किया और एक कुशन था वहाँ पड़ा हुआ, तो कुशन से भी गला दबाने का प्रयास किया, तो उस चक्कू से जो है इसके महिला के कई जगह चोटें लगी, घाव हुए। तो उसके बाद ये मतलब गुत्थम गुत्था होते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम के बाद ये लड़का जो है ये कहने लगा, ये पहला ये महिला कहने लगी कि मेरी जान बख्श दो, तो वो डर गया शायद, वो कहने लगा कि नहीं आप मुझे पुलिस में पकड़वा दोगे या पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो ये कह रही मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो आप मेरी जान बख्श दो। तो जिस पर वो कहने लगा कि मैंने पहली बार ये वारदात की है तो मैं पकड़ा जाऊँगा नहीं। इसी दौरान ये बातचीत करते हुए महिला एकदम गेट से बाहर आ गई, गुत्थम गुत्था जैसे उसके शरीर पे कई जगह पे घाव हुए थे, तो ये बाहर आ गई। बाहर आने के बाद ये अपने सड़क पे आ गई और शोर मचाया, जितने भी वो पीछे से निकल के भाग गए, अभी वो फरार है। हाँ, उसके बाद तुरंत इनको नागरिक अस्पताल लाया गया, हमने मौके का मुआयना किया, तो वहाँ खून के डब्बे, वो छोटा चक्कू जैसे सब्जी काटने वाला चक्कू मिला, वो छोटा चक्कू है, तो वो मौके पे आया। फॉरेंसिक टीम बुलाई है, फिंगरप्रिंट की टीम बुलाई है और शीघ्र ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। क्या CCTV? हाँ, CCTV ना तो कोठी में कोई लगा हुआ है, ना जिस साइड में बताया गया है भाग गया है वो, उस साइड में भी CCTV कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। इतना करीब 6:15 शाम की है। अपना नाम बता दें। इंस्पेक्टर हमीर सिंह, सेक्टर 9, अम्बाला शहर। ये है, ये मैडम ने अपने स्टेटमेंट में लिखवाया है कि उसने 10 लाख रुपए की मांग की थी, तो अभी इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस है वहाँ पे, फिंगरप्रिंट्स भी उस पर हैं, तो शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया।